हमारा शुरुआत तो किचन से होता है, इसलिए देखिए किचन का काम खत्म हो गया। अब आपको ले चलते हैं दिवाली की साफ सफाई में छत पे। चुप चुप के चुपे मेरे है सब कुछ सामने मेरे बिना तो लगती कोई सामने। कुछ याद आ गया खाना बनाते बनाते, शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। मेरा मानना है किसी इंसान का साथ सोना जरूरी नहीं है, साथ होना जरूरी है। अब मैं चली 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 देखिए सोए हैं पतिदेव। अभी तक मैं बालकोनी का और अब मैं खोल रही हूँ और आप बने रहिए। आज सफाई चला है, काफी दिन हो गया था, फ्रिज की भी सफाई हमने की है अच्छे से और सब हो गया है। किचन का भी पूरे अच्छे से सफाई कर चुके हैं और सारे कमरे का हो गया है, बेडरूम वगैरह सब क्लियर हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों छत पे हम लोग आ गए हैं, ये देखिए छत पे कुछ पौधे लगे हैं जिसमें बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर आए हैं। कुछ कुछ तो नहीं बोलिए। ये देखिए और आज छत की सफाई चलेगी पूरे तरीके। छत के ऊपर भी टेरिस बना हुआ है, ये देखिए इसी की साफ सफाई आज होगी। ये देखिए हेलो गाइज, मेरी मम्मी ऊपर काम कर रही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मम्मी क्या कर रही हो? मम्मा
गाइस अभी हमारे यहाँ दिवाली के लिए टंकी साफ हो रही है। ये रही मेरी मम्मी और हमारे तो छत से दूर दूर तक सब जगह दिखता है। ऐसे मैं आपको जूम कर करके दिखाऊंगा, जूम कर कर। देखिए अनदर छत, यहाँ पे ये पैम फटा हुआ है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये रहा मेरी मम्मी का फेवरेट पाइप, इसी से हर काम किया जाता है। मम्मी बाय बोल दो। बाय। ये देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है सुबह सुबह, अपना उठाया बैट बॉल और खेलने में लगा हुआ है। ये देखिए, और अब हमारे यहाँ सफाई होगी कुछ, ये यहाँ पे पूजा पाठ का करने के बाद जो बचा हुआ है वो